Welcome back to another session of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to talk about how to convert any image into transparent water splash effect in Photoshop and how to convert this to this. ट्रांसपेरेंट वाटर स्प्लैश इफेक्ट एक इस तरह का इफेक्ट है फोटोशॉप का जिसमें कि दो इमेजेस को लेते हुए एक कोई भी वाटर स्प्लैश इमेज और एक कोई भी आपकी इमेज उनको इस तरह से ब्लेंड करते हैं हम जो आपकी मेन इमेज है उस पर एक वाटर स्प्लैश इफेक्ट जनरेट होकर आता है। इस वेरी यूनिक एंड आर्टिस्टिक टेक्निक जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज में बहुत ही स्पेशल इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि आपको वाटर के थ्रू एक्वा के थ्रू कोई भी मैसेज डिलीवर करना है, जहां पे पानी से रिलेटेड वाटर से रिलेटेड कोई भी मैसेज है, वहां पे आप इस टेक्निक को यूज करते हुए बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सो क्विकली आज जानेंगे इसे किस तरह से अचीव किया जाता है फोटोशॉप में। सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शर्मा फोटोग्राफी। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। All right, first let's open Photoshop and open the model image. So we are going to use this pretty model for this session. This I downloaded from unsplash.com and this creative beautiful artwork is from David Hoffman. Please go to unsplash.com and check David's work. So let's start quickly. So we'll press enter और जो हमने यहाँ इमेज ड्रैग करी है इसको हम रीनेम कर लेते हैं मॉडल and then we will quickly use quick selection tool और इस इमेज को quickly यहाँ से कट करते हुए और इस इमेज को यहाँ से क्विकली हम कट करते हुए दूसरे एक लेयर पर प्लेस कर लेंगे। लेयर्स को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, कट करते हैं, उसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी आपके लिए हम डिजाइन कर चुके हैं। प्लीज गो थ्रू विद दैट ट्यूटोरियल, लिंक इज इन आई डिस्क्रिप्शन। ओके, दिस इज डन। इसके बाद कमांड प्रेस करते हुए इस पर एक बार क्लिक करेंगे एंड वी विल कम बैक टू अवर मेन मॉडल लेयर एंड देन वी विल गो टू सेलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपैंड 22 pixels करके press OK and then right click और उसके बाद right click करते हुए rasterize layer and then edit, fill, content aware, opacity 100%, mode normal, press OK. Now अब हमारे पास एक model layer this one, इसके बाद हमारे पास plain background है और हमारे पास एक main model layer है backup की, इस पर भी right click करते हुए rasterize layer पर click कर लेते हैं। नाउ इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं, दोनों को इनेबल करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वाटर स्प्लैश इफेक्ट है उसको ड्रैग करके ले आते हैं। सो वी आर यूजिंग दिस वाटर स्प्लैश इफेक्ट फॉर दिस सेशन। आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। इन केस अगर आपको वाटर स्प्लैश इफेक्ट डिजायर्ड नहीं मिलता, यू कैन मैसेज मी, मैं आपको ये सेम वाटर स्प्लैश इफेक्ट क्विकली सेंड कर दूंगा। इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हुए कंट्रोल टी करके हम इसे प्लेस करेंगे अपने डिजायर्ड पोजिशन के ऊपर। प्रेस एंटर वंस इट इज डन। ब्लेंड मोड इसका चेंज करेंगे स्क्रीन में एंड देन ब्रश को सिलेक्ट करते हुए वी विल मेक अ मास्किंग ऑन इट एंड वी विल मेक श्योर द फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक। और उसके बाद ब्रश सिलेक्ट करेंगे हम राउंड सॉफ्ट, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हुए यहाँ से हल्का हल्का हम एजेस जो इनकी शार्प आ रही हैं उसको हल्का सा रिमूव करेंगे। सिमिलरली इसी की एक और कॉपी जनरेट करते हुए कंट्रोल जे एंड कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, साइज का हम थोड़ा छोटा करेंगे। अगेन इसकी मास्किंग पे क्लिक करते हुए वी विल गो टू द ब्रश एंड इसकी भी थोड़ी सी हम प्रेजेंटेबिलिटी को चेंज करेंगे। वन मोर टाइम कंट्रोल जे। And quickly इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए विल डू कमांड जी एंड विल रीनेम इट टू वाटर स्प्लैश एंड आफ्टर दैट इन सारी लेयर्स को डिसेबल कर देंगे। विल मेक श्योर कि सिर्फ वाटर स्प्लैश इफेक्ट हमारी इनेबल हो एंड वी विल जस्ट प्रेस कमांड ऑल्ट शिफ्ट ई, इसको डिसेबल कर देंगे वाटर स्प्लैश को। इसको ड्रैग करके अभी हम नीचे ले आते हैं सेफर साइड क्योंकि इसकी अभी हम जरूरत नहीं है।
क्योंकि मेन जो काम है वो सारा हमारी ये लेयर करेगी। इसको रीनेम करेंगे वाटर स्प्लैश मेन। इसके बाद अपनी दोनों लेयर्स को वापस इनेबल करते हुए का ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे हम स्क्रीन में। एक लेयर बनाएंगे हम लेवल्स के लिए और थोड़ा सा वाटर स्प्लैश का कंट्रास्ट फिक्स करेंगे और उसके लिए पहले क्लिपिंग पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। एंड वी विल सिलेक्ट द मॉडल मेन इमेज एंड दिस इज द कटआउट वन राइट दिस वन। और इसके बाद इस पे एक यूएन सैचुरेशन का बनाते हुए लेयर we will make sure to click on colorize और इसका colorize के बाद थोड़ा सा हम color change करेंगे। and once this is achieved we will change the blending mode to multiply और इसकी opacity बिल्कुल कम करते हुए we will start increasing it to the desired point। this is fine। उसके बाद एक बार water splash पे click करते हुए ये वाला जो portion आ रहा है इसको थोड़ा सा stretch करके हम properly थोड़ा fit करेंगे। control T wrap और इसको धीरे से हम अपने अकॉर्डिंगली जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है विल डू इट। एंटर। वी विल जस्ट क्रिएट वन अनदर मास्क ऑन इट एंड देन वी विल गो टू द ब्रश मेक श्योर फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक। थोड़ा सा बॉडी पे से इनका इफेक्ट हटाना हम स्टार्ट करेंगे। ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे इसकी और ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम एक नई लेयर इसके ऊपर जनरेट करेंगे। अब हमारा मोटिव है कुछ वाटर स्प्लैश की जो इफेक्ट होते हैं वो हम इस पोर्शन पे भी हल्का सा रियलिस्टिकली अप्लाई कर सकें। उसके लिए विल चेंज द ब्रश एंड फॉर दिस आई विल जस्ट सेलेक्ट वाटर स्प्लैटर। और अगर आपके पास वाटर स्प्लैटर का ब्रश नहीं है आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल क्विकली सेंड टू यू ब्रश प्रीसेट और आप उसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। और इनकेस अगर आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव चाहते हैं प्री डिफाइंड आपके पास ब्रशेज होते हैं जिसमें कोई भी जिसमें कि स्कैटर्ड इफेक्ट आ रहा हो उस तरह का ब्रश आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इट विल डू द जॉब लाइक दिस और समवेयर लाइक दिस। उसको आप हल्की सी ओपेसिटी कम करते हुए यूज कर सकते हैं। सो फॉर दिस सेशन वी विल क्विकली यूज अगेन वाटर स्प्लैटर। मोड हम रखेंगे इसमें लाइटन ओपेसिटी 100 फ्लो 100। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम रोटेट करते हुए एंड वी विल जस्ट अप्लाई समवेयर। We will make another layer. We will call it water one and we will make another layer and we will call it water two. और water two को drag करके model layer के और background के बीच में ले आएंगे हम। Same effect select करते हुए we will just click somewhere here. Once this is achieved, water वाली जो layer है उसी पे क्लिक करते हुए इसका ब्लेंडिंग मोड एक बार हम चेंज करके देखेंगे। एंड ओवरले इज वेरी फाइन। ओवरले सेलेक्ट करते हुए इसी पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड राइट क्लिक एंड गो टू रैप। इसके बाद वाटर स्प्लैश और वाटर को एक ही ग्रुप के अंदर हम डाल देंगे एंड वी विल कॉल इट वाटर फाइनल। और इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे जिससे वाटर टेक्सचर थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज हो सके। हम कर्व पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा डार्क टोन मिलाते हुए फाइन विल गो टू द चैनल ऑफ ब्लू। परफेक्ट। और इसके बाद इसी मेन लेयर पे कंट्रोल आई प्रेस करते हुए विल सेलेक्ट द ब्रश टूल विल मेक श्योर फोरग्राउंड कलर इज वाइट and then we will select soft round and we will change blending mode to soft light. Now finally we are just selecting water splash small aur iska thoda sa orientation change karte hue rotation karte hue we will pick the color from somewhere blue from here and we will make another layer aur us pe hum here and there splash effect thoda sa generate kare. इससे थोड़ा सा और रियलिस्टिक फील इसकी एम्बोज होके हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। वंस दिस इज अचीव्ड इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे हम क्विकली जाएंगे सॉफ्ट राउंड ब्रश के ऊपर
और जो हमने इफेक्ट अभी जनरेट किया है उसके ऊपर एक मास्किंग लेयर क्लिक करते हुए विल मेक श्योर फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक और इसको हल्का हल्का जहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ से हटाना स्टार्ट करेंगे. सो वी आर ऑलमोस्ट डन एंड फाइनली कमांड ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करते फाइनली एक और कॉपी जनरेट करेंगे और एक कर्व लेयर इसी के ऊपर हम बनाएंगे और उसे थोड़ा सा व्हाइटिश टोन में लेके जाएंगे एंड देन रेड चैनल अप्लाई करते हुए इसको हल्का सा रेड में एंड देन ग्रीन. वी विल डू कमांड आई टू इन्वर्ट एंड फाइनली वी विल सेलेक्ट एलिप्टिकल मार्की टूल. एक रफ एलिप्टिकल हम यहाँ जनरेट करेंगे. वी विल डू कमांड आई टू इट कमांड डी टू डी सेलेक्ट विल गो टू फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर एंड इसका ब्लर थोड़ा कम करते हुए विल अप्लाई इट. नाउ वी आर डन और इसमें हम बस एक फाइनल एक्शन और करना चाहेंगे कि जो इनका ये वाटर बर्स्ट इफेक्ट जहाँ पर है उसको थोड़ा सा शार्पन हम करेंगे और उसके लिए क्विकली कमांड ऑल्ट शिफ्ट ई लास्ट में प्रेस करते हुए हमने काफ़ी बार कमांड ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस किए हैं सेशन में. सो लास्ट में इसको क्लिक करते हुए विल कॉल इट फाइनल एंड इसको शार्पन हम थोड़ा सा करेंगे यूजिंग हाई पास. कमांड शिफ्ट यू टू डीसेचुरेट द कलर्स एंड देन वी विल चेंज इट टू द लीनियर लाइट एंड विल गो टू द फिल्टर अदर हाई पास चेंज द स्प्लैशिंग प्रेस ओके. उसके बाद एक मास्किंग इस पर क्लिक करते हुए वी विल डू कमांड आई टू इन्वर्ट एंड फाइनली इस पर एक ब्रश हम सिलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड कलर वाइट और उसके बाद इस पर हल्का हल्का इफेक्ट जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि अप्लाई हो उस वहाँ पर हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे जहाँ जहाँ हम इसे शार्प करना चाहते हैं. कंट्रोल ज़ीरो. नाउ वी आर डन पर ऑप्शनली अगर हम चाहें तो कलर को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इसके. एंड नाउ दिस वी हैव अचीव्ड फाइनली एंड वी स्टार्टेड विद दिस इमेज एंड वी हैव अचीव्ड दिस वंडरफुल रिजल्ट. इज़न्ट इट ग्रेट. एंजॉय. ऑल राइट. सो जैसे कि भी आपने देखा कि वाटर स्प्लैश इफेक्ट को हम फोटोशॉप में कितनी इजीली जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं. इस इफेक्ट को यूज करते हुए आप किसी भी तरीके का मैसेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की इमेजेस के ऊपर और अपनी इमेजेस को एक बहुत ही क्रिएटिव और अलग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इनकेस आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है फोटोशॉप या फोटोग्राफी यूज करते हुए आप हमारी वेबसाइट www.anubhavshahphotography.com पे जा सकते हैं और यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. वी वुड लव टू आंसर. थैंक यू सो मच फॉर लवली मैसेजेस एंड सजेशन जिनको ध्यान में रखते हुए हम इस आर्टफुल सीरीज के अलग अलग एपिसोड डिजाइन कर रहे हैं और आपके सुझाव के थ्रू हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हमें कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए और किस तरह से उनकी सीक्वेंस में उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए. आपके गाइडेंस के लिए आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. बहुत जल्दी लौटेंगे आपके लिए एक नया फ्रेश डेडिकेटेड सेशन लेकर. मीनवाइल स्टे फिट स्टे हेल्दी बी हैप्पी. दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी साइनिंग ऑफ.